14 अक्टूबर काशी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको आज पांचवे दिन की कथा में गुरुजी के द्वारा बताई गई सभी 8 उपयोगी जानकारी बता रहे हैं। साथ में आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए पत्र और कुछ उपाय हैं वह भी साझा कर रहे हैं। सभी जानकारी अनमोल है और उपाय कभी न कभी आपके जीवन में काम आते ही हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कोई भी शिव भक्त शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति का कभी भी अनादर मत करना, अपमान मत करना, क्योंकि वह व्यक्ति तो आपको जवाब नहीं देगा पर आपके किए गए अपमान का जवाब वह ऊपर से देखने वाला जरूर देगा, इसलिए कभी भी शिव भक्त की बुराई ना करें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई भी सदस्य शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करता है तो आपको उससे कहना है कि आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसके बाद जलाधारी से नीचे आ रहे जल का थोड़ा सा भाग को झेल कर घर ले आए और घर के सभी सदस्यों को उस जल का आचमन करवाएं ताकि घर के सभी सदस्यों के अंदर पैदा हो रही बुराई और बीमारियों का नाश किया जा सके। बढ़ते हैं आज की कथा के तीसरे पत्र की ओर। वाराणसी से एक पत्र आया। पत्र लिखने वाली माँ ने अपनी बेटी का डिप्रेशन का शिकार होने की बात कही। उसने बताया कि उसकी बेटी हमेशा टेंशन में रहती है और हमेशा रोती रहती है। पत्र लिखने वाली माँ ने गुरुजी की शिव महापुराण कथा को रोज तेज आवाज में सुनना शुरू किया। इसके बाद उस लड़की का भी शिव महापुराण कथा सुनने में मन लगने लगा और वह भी शिव की पूजा करने लगी। अब वह बेटी बिल्कुल ठीक है और उसकी चित्तवृत्ति भी स्थिर हो गई है। इसके बाद इसी पत्र में लिखने वाली माँ ने बताया कि उसके बेटे का SSC GD का एग्जाम था तो माँ ने अपने बेटे से काली मिर्च और दूध वाला उपाय करवाया। उसका भी सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी आज की कथा में काफी खुश नजर आए। गंगा के बढ़ रहे जल स्तर पर गुरुजी ने बताया, यह टाइम गंगा का जल स्तर कम होने का है पर अभी भी स्तर बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि उसे भी पता है गंगा के घाट में शिव महापुराण कथा हो रही है, वह भी बंधन के सुनने आ रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कई बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जैसे लीवर की बीमारी का अलग, किडनी की बीमारी का अलग और हार्ट की बीमारी का अलग, पर कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो सभी प्रकार की बीमारियों को सिर्फ एक इंजेक्शन लगाकर ठीक कर देते हैं। उसी प्रकार भोलेनाथ भी सभी प्रकार की परेशानियों को, समस्याओं को समाधान सिर्फ एक बेलपत्र और सिर्फ एक कलश जल चढ़ाने से कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण कथा में लिखा है, झूठ बोलने वाला, प्रपंच करने वाला कभी भी भोलेनाथ का भक्त नहीं हो सकता है, ना ही उस पर कभी भोलेनाथ की कृपा हो सकती है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मन पवित्र होना चाहिए और शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए और कपट, झूठ और दूसरों को दुख देने वाला नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा के सातवें उपाय की ओर। ऊपर मेरे द्वारा बताए गए सभी 6 जानकारी आज 14 अक्टूबर ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने बताई है, पर कल है 15 अक्टूबर और दिन है शनिवार का। आप सभी को शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक लंबी बाती का घी का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी का बताया सबसे अच्छा धन प्राप्ति उपाय है क्योंकि शनिवार के दिन शाम को कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करती है और इस समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक लगाने वाले के घर में, जीवन में धन संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। आशा करता हूँ आज वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप।